फ्रेंड्स, अगर आप एक नए फिल्म मेकर है या फिर आप फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं, तो शुरुआत में आप जो भी फिल्म बनाएंगे वो जाहिर सी बात है कि लो बजट की ही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लो बजट में जब आप किसी भी फिल्म को बनाते हैं तो उसमें आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं लो बजट की फिल्म बनाने में। तो अगर आप एक लो बजट की फिल्म बनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलती रहे। फ्रेंड्स, जब भी आप लो बजट की फिल्म बनाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज आपके सामने ये आता है कि आपके साथ कोई भी स्टार कास्ट नहीं जुड़ता है। अगर आप किसी बड़े स्टार को लेते हैं अपनी फिल्म में तो होगा क्या कि आपकी फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपकी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं होता है और जो भी आप एक्टर्स रखते हैं या फिर एक्ट्रेसेस रखते हैं वो कम एक्सपीरियंस वाले होते हैं या फिर कहे तो उनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, सब नए लोग होते हैं। तो नए लोगों के साथ ही, नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ ही आपको काम करना होता है और उन्हें ही ट्रेंड करके, उन्हें ही प्रैक्टिस करवाकर आपको अच्छा रिजल्ट लाना होता है स्क्रीन पर। और ये एक मेन चैलेंज है क्योंकि एक अनएक्सपीरियंस्ड इंसान को जिसे एक्टिंग बहुत ही अच्छे से नहीं आती है तो उन्हें आपको प्रैक्टिस करवा करके उनसे ऐसी एक्टिंग करवानी होती है जो स्क्रीन पर देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि आपको अपने फिल्म में कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे लेने होते हैं जो मार्केट के हो, जो पहले किसी दूसरे फिल्म्स में अपीयर हो चुके हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब दूसरा चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ता है वो है लिमिटेड इक्विपमेंट्स की। आपके पास जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जिससे आप शूट करेंगे फिल्म को वो लिमिटेड होते हैं। आप ना तो महंगा कैमरा ले सकते हैं और ना ही महंगा कैमरा इक्विपमेंट्स आप हायर कर सकते हैं। कैमरे में आप जैसे रेड एपिक, एरी एलेक्सा, इन कैमरों पर आप शूट करेंगे तो फिल्म का बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको DSLR से ही काम चलाना होता है। और अगर आप सोचेंगे कि आप बहुत सारे कैमरा इक्विपमेंट्स को लेकर के काम करेंगे तो भी आपके फिल्म का बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सोच के चलना है कि आपको लिमिटेड इक्विपमेंट्स में ही काम को चलाना है और एक बेटर रिजल्ट लेकर के आना है। अब तीसरा चैलेंज क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो क्रू मेम्बर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, यानी आप बहुत सारे लोगों को हायर नहीं कर सकते हैं काम करवाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म को शूट करते वक्त ढेर सारे लोग होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। स्पॉट बॉयज़ अलग होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं वो अलग होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो फिल्म को शूट करते समय अपना योगदान देते हैं। तो आप जब एक लो बजट की फिल्म बना रहे होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को हायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे क्रू मेंबर्स को हायर करेंगे तो आपके फिल्म का बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप सिर्फ मेन लोगों को ही हायर कर सकते हैं। जैसे कैमरामैन आप हायर कर सकते हैं, लाइटमैन हायर कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट आप हायर कर सकते हैं। पर एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जब आप एक लो बजट की फिल्म बना रहे हैं तो आपको अपने खुद पर ज़्यादा भरोसा करना है, क्योंकि आप लो बजट की फिल्म बनाते वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को लेकर के काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग लेंगे तो उनका जो पेमेंट है, जो वो पेमेंट आपसे लेंगे वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए जब आप एक लो बजट की फिल्म बना रहे होते हैं तो आप कम एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम करते हैं, तो ऐसे में आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व होना रहता है, आपको अपना दिमाग ज़्यादा खपाना होता है। हो सकता है कभी कभी आपको कैमरा जो है वो भी ऑपरेट करना पड़ जाए एक लो बजट की फिल्म बनाते वक्त, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर शॉट ले रहे हैं और वो कैमरामैन अच्छे से नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में आपको अपने फिल्म का लुक बेटर करने के लिए कैमरा खुद भी होल्ड करना पड़ सकता है। तो याद रखें कि लो बजट फिल्म में आपको खुद पर भरोसा रखना है, आपको हर एक चीज़ में खुद इन्वॉल्व होना होगा, तभी जा करके फिल्म अच्छी बनेगी। इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर के चैलेंज के बारे में। जब भी आप एक लो बजट की फिल्म बनाते होते हैं तो आपको अपने बजट को कंट्रोल करके रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सीन में और ज़्यादा एनहैंसमेंट किया जाए, उसे और ज़्यादा अच्छा से शूट किया जाए, तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके फिल्म का बजट वैसे में बढ़ जा रहा है तो आप उस आइडिया को ड्रॉप कर दें। क्योंकि फिल्म मेकिंग में आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अपने बजट को कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। सीन्स को एनहैंस करते 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 आपके फिल्म का बजट है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपका पूरा पैसा खत्म हो चुका रहेगा और आपकी आधी फिल्म ही बन पाई होगी। तो ऐसे में आपकी फिल्म जो है वो अटक जाएगी बीच में ही। तो इसीलिए आप क्या करें कि आप अपने बजट को कंट्रोल करके रखें, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब पांचवें नंबर पर जो चैलेंज आती है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स का मिलना।
जब भी आप एक लो बजट की फिल्म बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके फिल्म को खरीदने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलेंगे, पर हाँ मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो हर चीज़ को देखते हैं। वो देखते हैं कि कौन से एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, लीड एक्टर कौन है, लीड एक्ट्रेस कौन है, किस डायरेक्टर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, किस राइटर ने फिल्म को लिखा है। तो इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हैं। पर एक बात है कि अगर आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को उस फिल्म को दिखाएंगे, वो फिल्म उन्हें पसंद आएगी तो वो फौरन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाएंगे। पर हाँ, याद रखें कि अगर आपने एक बेकार फिल्म बनाई है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी आप लो बजट की फिल्म बनाएं, फिल्म को अच्छे ढंग से बनाएं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को खरीदने के लिए राजी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ चैलेंजेस जो आपको लो बजट की फिल्म बनाते वक्त फेस करनी पड़ सकती है। तो अब आप इन चैलेंजेस के बारे में जान चुके हैं और आप इन्हें ओवरकम करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।